Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Neha, and name of my YouTube channel is Let's Talk About Accounting. Okay friends, तो हमारी आज की जो टॉपिक है वो वापस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी करनी चाहिए, एंट्री कैसी करनी चाहिए. तो हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, मान लीजिए कि आप एक प्रोप्राइटर हो और अगर आप कोई कैश विड्रॉ करते हो, तो वो कैश विड्रॉ आप उसमें से थोड़ी ऑफिस के लिए दे देते हो और थोड़ी आप खुद के लिए रख लेते हो. तो वो जो खुद के लिए हम रखते हैं, जिसे हम कहते हैं पर्सनल यूज, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, और जो कैश हम ऑफिस यूज के लिए देने वाले हैं वो विड्रॉल के बाद उसकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए. तो अगर ये आपको पता होगा और आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो पता होगा, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जैक्ट पिक्चर शो करेंगे. अगर आपने वो एग्जैक्टली एंट्री नहीं की तो आपका कैश बैलेंस हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई देगा और एट द एंड आपको ऐसे लगेगा कि मैंने इतनी कैश विड्रॉ की तो वो खर्चा कहाँ पे हो गया. तो वो खर्चा आपने रिकॉर्ड नहीं किया था आपके पर्सनल के लिए, इसलिए वो कन्फ्यूजन होता है. तो चलो फिर देखते हैं कि आज की एंट्री हमें कैसी करनी है. तो सबसे पहले मैं जाती हूँ अकाउंटिंग वाउचर में. जब मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाती हूँ, हम एज्यूम कर लेंगे कि मैं 5th ऑफ मे को कैश विड्रॉ करने वाली हूँ. ओके, तो हम वाउचर यूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर. तो ये है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर. तो जब मैं कैश विड्रॉ करती हूँ तो अकाउंट में आता है कैश और नीचे आता है बैंक. अंडर बैंक अकाउंट. ओके, ये नई कंपनी है इसलिए कोई भी बैलेंस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा कैश का बैलेंस शायद नेगेटिव दिखाई देगा, बैंक का बैलेंस शायद नेगेटिव दिखाई देगा. ओके, तो बैंक में अभी फिलहाल बैलेंस नहीं है, बट स्टिल हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं. तो मैंने 12,000 rupees विड्रॉ कर लिए हैं. तो मैं इसलिए विड्रॉ कर रही हूँ कि मुझे, मैं एक प्रोप्राइटर हूँ और मुझे कुछ पैसे खुद के लिए रखने हैं और कुछ पैसे ऑफिस यूज के लिए देने हैं. ओके, सो मीन कैश विड्रॉल. ओके, तो इसका इफेक्ट कैसे दिखेगा, मैं बैलेंस शीट में जाती हूँ, करंट एसेट में जाती हूँ, आपको दिखाई देगा कि कैश में 12,000 rupees मुझे डेबिट में दिखाई दे रहे हैं जो कि मैंने विड्रॉ किए हैं. सो जब मैं ये जो उसमें से 12,000 में से मैं 2,000 rupees जो है वो मैं पर्सनल यूज के लिए निकाल रही हूँ, जब मैं उसे पर्सनल यूज के लिए निकाल रही हूँ तो मुझे इमीडिएटली उसकी एंट्री करनी चाहिए. नहीं तो जैसे अभी हमने देखा कि मैंने 12,000 rupees मुझे डेबिट में दिख रहे हैं जो कि है मेरा कैश इन हैंड का बैलेंस, लेकिन उसमें से मैं 2,000 rupees खुद के लिए रख रही हूँ, मतलब मैं पर्सनल यूज के लिए रखने वाली हूँ. तो हमें एंट्री इमीडिएटली करनी है. तो वो होगी पेमेंट में हम लिखेंगे कैश. मैं कैश पेमेंट कर रही हूँ किसे, तो खुद को मैं कर रही हूँ, इसलिए हम क्रिएट करेंगे ड्रॉइंग्स अंडर कैपिटल अकाउंट. आप कोई भी एक्सपेंस अगर आपके बिजनेस में से खुद के लिए करते हो तो आपको हमेशा उसे ड्रॉइंग्स में ही कंसिडर करना है. सो बी कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज. तो ये 2,000 rupees मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए है. अब मैं बैलेंस शीट में जाती हूँ, करंट एसेट में जाती हूँ, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मेरा कैश इन हैंड 10,000 दिख रहा है, जो कि है अभी मेरा एक्चुअल बैलेंस जो मैं ऑफिस यूज के लिए करने वाली हूँ. अगर आप ये 2,000 की एंट्री नहीं करते तो यहाँ पे आपको दिखाई देता था 12,000 rupees. सो वो वापस हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं. ओके, तो जो कोई भी आप पर्सनल एक्सपेंसेस करते हो या फिर कैश विड्रॉल के बाद अगर खुद के लिए अगर आप कैश रखते हो तो इमीडिएटली उसकी एंट्री आपको पेमेंट से करनी है ड्रॉइंग्स में. ओके, तो ही आपकी बैलेंस शीट करेक्ट पिक्चर शो करेगी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड का. ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, टिल देन हैव अ गुड डे.